কথাতেই আছে বাঙালির পায়ের তলায় সর্ষে। কোভিডকালে দীর্ঘ সময় ঘরবন্দি থেকে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় অনেকেরই। এরকম মানুষদের জন্য অসাধারণ একটি সুযোগ নিয়ে এসেছে ভারতীয় রেল। খুব অল্প খরচে ভারতের 5টি জ্যোতির্লিঙ্গ এবং স্ট্যাচু অফ ইউনিটি ভ্রমণের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। সম্পূর্ণ কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই ভ্রমণের আয়োজন করছে IRCTC। মঙ্গলবার সকাল 11টায় দুর্গাপুর স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করবে ভারত দর্শন এক্সপ্রেস। 13 দিনের যাত্রাপথে ট্রেনটি ঘুরিয়ে দেখাবে ভারতের বিখ্যাত 5টি জ্যোতির্লিঙ্গ। তালিকায় রয়েছে গুজরাটের সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ, উজ্জয়নের মহাকাল জ্যোতির্লিঙ্গ, মধ্যপ্রদেশের ওমকারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ, দ্বারকার নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ এবং বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ। পাশাপাশি ভারত দর্শন এক্সপ্রেসের যাত্রীরা সুযোগ পাবেন স্ট্যাচু অফ ইউনিটি দেখার। ট্রেনটি দুর্গাপুর থেকে যাত্রা শুরু করে একাধিক স্টেশনে থামবে। নিউজ ফ্রন্টলাইনার ব্যুরো রিপোর্ট, ভাষ্য পাঠে পৃথ্বী হাজরা। ट्रेन है भारत दर्शन, आप जानते हैं हम धार्मिक स्थल है इंडिया के, वो दिखाते हैं अलग अलग जगह से इस ट्रेन के द्वारा। ये ट्रेन ज्योतिर्लिंग स्पेशल ट्रेन है। ये ट्रेन आपकी स्टार्ट करेगी यहाँ से, उसके बाद होते हैं ओंकारेश्वर महेश्वर हो गया, उसके बाद आपका द्वारका सोमनाथ, सोमनाथ के बाद स्टेचू ऑफ लिबर्टी, उसके बाद गणित सिंहनाथपुर और पूरे नासिक के ऊपर। अभी उसमें मंदिर बन रहे हैं, तो यदि मंदिर खुल जाते हैं 2-4 दिन में तो वहाँ जाएगी, नहीं तो वहीं से वापस। 12 ज्योतिर्लिंग आज जाएगा जी, 12 ज्योतिर्लिंग करें, ज्योतिर्लिंग स्पेशल ट्रेन करें, जितने भी ज्योतिर्लिंग खुले अभी उसपे वो सारा। उसके बाद कहाँ जाएगा ये? काफी 10 दिन जाएगा, 10 दिन उसके बाद 13 दिन की ट्रेन है। इधर आना, अपने घूमना फिरना सब वापस दर्शन करके जो वापस आ गया 13 दिन के अंदर। कोविड के चलते तो बंद था, कोविड के चलते बहुत सारे, वही मैंने बताया कि नासिक और दिल्ली अभी नहीं खुला है, उसकी जगह पे हम रिक्वेस्ट करेंगे या फिर कट कर देंगे तो दिखाएंगे ट्रेन को। बाकी सब खुले हैं, जहाँ जहाँ ट्रेन जा रही है, जैसे सोमनाथ भी है, द्वारका भी है, नागेश्वर भी जाएगी, उसके बाद उज्जैन जा रही है, महेश्वर जा रही है, वो सब खुले। एक ही बार जाएगा या कंटिन्यू होगा? कंटिन्यू चलेगा ये? नहीं, ये अभी ये तो ट्रेन ऐसी स्पेशल ट्रेन है, ये कभी कभी हम लोग चलाते हैं, हर एरिया से चलाना होता है, तो इस बार हमने दुर्गापुर से चलाते हैं। इसके बाद कोई और दूसरा स्टेट से भी जाएगा? हाँ, इसके बाद अभी वेस्ट दिल्ली के लिए प्लान करेंगे, वो टाइम बोकारो से जाएगा। ये आपका टारगेट ऑफ पैसेंजर जो है फुलफिल हो गया? पूरा 100% है। कितना पैसेंजर? हाउ मेनी पैसेंजर? 600 पैसेंजर इसमें। हमने कोविड प्रोटोकॉल, वैसे 800 की कैपेसिटी होती है, बट कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हैं, कम लोग लेते हैं, ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस में। पैकेज क्या है इसका? ये 13,000 रुपये का पैकेज है। 13,000? ये 13 दिन वही 900 रुपये पर डे का पैकेज रहता है। मेडिकल फैसिलिटी के बारे में क्या बता रहे हैं? एक मेडिकल फैसिलिटी के लिए हमारा एक 25,000 मेडिकल फैसिलिटी है, और किसी को भी कोई तकलीफ आती है तो इमीडिएटली उसका चेकअप कर दिया जाएगा, प्राइमरी उसको मेडिकल असिस्टेंस दिया जाएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो एक कोच को आइसोलेटेड कोच रखेंगे हम लोग, तो तुरंत हम बाकी पैसेंजर से आइसोलेट कर लिया जाएगा कोविड रिलेटेड कोई सिम्टम्स को, और उसको फिर नियरेस्ट जो स्टेशन होगा वहाँ एडमिट कराया जाएगा, और उसको वापस जाएगा। मेडिकल टीम तो है सब? हाँ, मेडिकल टीम। ओके,